हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है, तो हम देखते हैं कि टियांडू सेट का लीडर तुरंत ही लिंगफेंग पे अपनी डिमोनिक स्नेक बीच से अटैक करवा देता है। जैसे लिंगफेंग अपनी मैजिकल बिल की स्पिरिचुअल पावर्स की ऑरा की मदद से उन्हें रोक कर बड़ी आसानी से डिफेंड करने लगता है। उसकी एनर्जी की ऑरा इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ के सभी को इसका असल महसूस हो रहा होता है, यहां तक कि उन डिसेबल्स और सोल्जर्स को भी इस ऑरा से काफी तकलीफ महसूस होने लगती है। जिस पर एक पर्सन कहता है कि आखिर अचानक से मेरी सोल पावर्स इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है। तभी दूसरी तरफ लिंगफेंग तुरंत ही अपनी लाइट पावर्स एनर्जी इन स्नेक पे शूट कर देता है, जिससे वो स्नेक डिफेंड नहीं कर पाते और उनके साथ ही उनका पॉइजन भी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसे देखकर टियांडू सेट का लीडर पूरी तरह शॉक हो जाता है, पर तभी इतने में ही लिंगफेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर्सन के गले पे पॉइंट कर देता है और इस बात से उस पर्सन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तभी फैली जाओया उसे कहती है कि मैं कैरिस कॉन्टिनेंट से एक मंक हूं, तुम मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। वहीं बाकी सभी डिसेबल्स भी काफी गुस्सा हो जाते हैं, सभी को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हर एक डिसेबल उससे गुस्से के साथ कहता है कि इसका गला काट कर उसे पेंग देना चाहिए ताकि दोबारा कोई किसी मंक का मजाक ना बनाए। तभी मिस ल्यूली कहती है कि मिस्टर लिंगफेंग काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस पर वो हाई का एक दोस्त कहता है कि क्या वाकई में मिस्टर लिंगफेंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिस पर हैवनली स्वॉर्ड सेट का एक डिसेबल जवाब देता है कि हाँ क्यों नहीं, हमारा भाई तो पिंग टियान स्वॉर्ड किंग का बेटा है और यही नहीं डिवाइन सिलेक्शन में इसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और सबसे पावरफुल मैजिकल बेल को भी पोसेस किया था। ये सुनकर वो पर्सन खुद से कहता है कि पिंग टियान स्वॉर्ड किंग तो काफी पावरफुल इंसान थे, स्टार प्लेस में उसकी एक पहचान थी। जिस पर वो हाई उसे कहता है कि जैसे बाप वैसा ही बेटा, काफी पावरफुल है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। इस पर्सन उन्हें कहता है कि सिर्फ यही नहीं, हमारे भाई ने गॉड लेवल स्वॉर्ड सोल को पोसेस किया है। ये सुनकर वो आदमी काफी शोक हो जाता है और खुद से कहता है कि इसका मतलब इस बच्चे को सन ऑफ गॉड कहा जाता है। तभी दूसरी तरफ टियांडू सेट का लीडर लिंगफेंग से कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस पर लिंगफेंग उसे जवाब देता है कि आराम से पॉइजन का एंटीडोट मेरे हवाले कर दो। इस पर पर्सन उसे कहता है कि मैं जानता था कि तुम उन पॉइजन को साफ नहीं कर पाओगे, इसलिए अगर एंटीडोट चाहिए तो पर्पल सन ऑर्डर मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इस पॉइजन को मेरे अलावा और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। इस पर लिंगफेंग उसे जवाब देता है कि एंटीडोट आराम से मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान माफ कर दूंगा वरना मैं यहां तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये सुनकर वो पर्सन हंसते हुए तुरंत ही अपनी पॉइजन पावर्स रिलीज करने लगता है, इसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। इसके साथ ही वो पर्सन तुरंत ही अपनी पॉइजन इंसेक्ट से लिंगफेंग पे अटैक करवा देता है। ये जहरीली इंसेक्ट लिंगफेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो हाई और उसके सभी साथी लिंगफेंग के लिए काफी घबरा जाते हैं। इसमें एक पर्सन कहता है कि ये लड़का इन 10,000 पॉइजन इंसेक्ट पॉइजन का सामना कैसे करेगा, ये बच्चा अब तो मारा जाएगा। तभी दूसरी तरफ टियांडू सेट का लीडर लिंगफेंग से कहता है कि बच्चे अब तो तुम मेरे 10,000 पॉइजन इंसेक्ट से नहीं बच सकते हो। वही हम देखते हैं कि कुछ इंसेक्ट लिंगफेंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिस पर टियांडू लीडर उसे कहता है कि बच्चे मेरे इन सभी गू बग्स में सबसे खतरनाक तरीन पॉइजन मौजूद है, अब ये सब तुम पर है कि तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। तभी हैवनली स्वॉर्ड सेट का एक पर्सन उदास होते हुए कहता है कि ये बग्स मेरे भाई की जान ले लेंगे, यहाँ बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट्स हैं, वो कैसे इनका मुकाबला करेगा। वहीं मिस जुई ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर मिस ल्यूली उसे कहती है कि आप परेशान ना हो, और फिर वो सभी लिंगफेंग को देखने लगते हैं जहां वो सभी इंसेक्ट्स लिंगफेंग की बॉडी पे चपकने लगते हैं। पर तभी लिंगफेंग तुरंत ही अपनी होली डिवाइन सोर्ड को एक्टिवेट करते हुए अचानक से काफी पावरफुल एनर्जी की ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो सभी इंसेक्ट पीछे हो जाते हैं और लिंगफेंग अपनी बॉडी पे गोल्डन बॉडी एक्टिवेट कर देता है। इसे देखकर वो सभी डिसेबल भी काफी शॉक हो जाते हैं कि लिंगफेंग ने तो गोल्डन बॉडी एक्टिवेट कर दी। इस पर एक डिसेबल अपने साथियों से कहता है कि लिंगफेंग के पास डिस्पोजल के लिए बहुत सारे मेथड्स मौजूद है। तभी दूसरी तरफ लिंगफेंग अपनी होली डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही निर्वाना फायर पावर से उन सभी एंसेट्स को जिंदा जलाकर राख कर देता है। सीधे कटियांडू सेट का लीडर हैरान होते हुए कहता है कि ये तुमने कैसे किया बच्चे। इस पर लिंगफेंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने इसे जाया कर दिया। इसके साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक पावरफुल अटैक क्रिएट करने लगता है। देखकर वो पर्सन उसे रोकने के लिए अपने लोगों से उस पर अटैक करवाता है, पर तभी लिंगफेंग सोल ऑफ सी रियल पावर्स
से टाइम एंड स्पेस को ही वहीं पे रोक देता है, जिससे वो सभी वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। पर तभी इतने में ही लिंग फेंग अपनी जायंट मार्शल होली स्पिरिट गॉड बॉडी को बाहर निकाल लेता है और अपने स्वॉर्ड निकाल कर इसकी मदद से वो उस लीडर पे एक पावरफुल हैमवली सोल स्लैश से अटैक कर देता है, जिससे वो पर्सन वहीं गिर जाता है। पर तभी राजकुमारी कियानिंग भी ऊपर आ जाती है और वो अपने किलिंग फॉर्मेशन आरे की मदद से बहुत सारे स्पिरिट्स वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए बाकी सभी बचे हुए सोल्जर्स पे अटैक कर देती है, जिससे वो सभी वहीं गिरकर बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। तभी लिंग फेंग अपनी पाम हैंड पावर से टियांडू सेट के लीडर को अपनी तरफ खींचता है और उसे गले से पकड़ लेता है और उससे वो एंटीडोट भी निकाल लेता है और उसे कहता है कि अच्छा तो ये है वो एंटीडोट, जिसके साथ ही वो उस आदमी को नीचे फेंक देता है। तभी उस पर्सन के सभी साथी तुरंत ही उसको उठाने के लिए आ जाते हैं। तभी लिंग फेंग वापस नीचे आ जाता है, जिसे देखकर वो हाई का दोस्त कहता है कि इस पावरफुल लड़के ने तो इन निर्वाना लेवल 6 के कल्टीवेटर को भी बड़ी आसानी से हरा दिया। इस पर वो हाई उनसे कहता है कि निर्वाना लेवल 6 पे गॉड्स और डीमंस होते हैं, आखिर लिंग फेंग का क्या लेवल है? जिसमें मिस ल्यूली जवाब देती है कि मिस्टर लिंग फेंग की पावर्स काफी शक्तिशाली है, यहां तक कि निर्वाना लेवल 9 मिरर भी किसी भी पावर्स का मुकाबला ही कर सकती है। इसकी सोल पावर सबसे यूनिक है, मेरा मतलब है मिस्टर लिंग फेंग अगर चाहे तो वो हमारी आंखों के सामने भी गायब हो सकते हैं। तभी लिंग फेंग तियांडू सेट के सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये सब वो हाई कहता है कि इस लड़की की सीक्रेट टेक्निक की सोल अब इसकी सोल पावर्स बन चुकी है। पर तभी लिंग फेंग टियांडू सेट के लीडर के पास आने लगता है, जिसे देखकर उसके सोल्जर्स और वो खुद ही पूरी तरह घबरा जाते हैं। जिस पर तुरंत ही एक डिसाइबल लिंग फेंग के सामने आकर उसे कहता है कि अब तुम्हें इससे और क्या चाहिए? इस पर लिंग फेंग उसे जवाब देता है कि तुम लोगों ने मुझे हर्ट किया और हमारे कैरिस कॉन्टिनेंट के मंक्स का मजाक भी बनाया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो तुम्हें स्पिरिचुअल मंक्स तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस पर लिंग फेंग उसे कहता है तो क्या हुआ, तुम्हें भी कैरिस कॉन्टिनेंट का ख्याल रखना चाहिए था, इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए था। इस पर वो सोल्जर उसे कहता है कि तुम यहाँ स्पिरिचुअल पाथ में एंटर हुए हो, मैं भी अपने स्पिरिचुअल पाथ में एंटर करना चाहता हूँ, अगर तुमने हमें कमजोर बना दिया तो अपने स्पिरिचुअल पाथ में हम दोबारा कैसे एंटर कर पाएंगे? इस पर लिंग फेंग जवाब देता है कि ये स्पिरिचुअल पाथ तुम जैसे कुत्तों के लिए नहीं है। ये सुनकर वो सोल्जर तुरंत ही गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड निकाल कर लिंग फेंग पे एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक कर देता है, जिसके साथ ही दूसरा सोल्जर अपनी ड्रैगन को भी बाहर निकाल लेता है और ऐसे बाकी सभी सोल्जर्स भी अपने अपने पावरफुल मार्शल स्पिरिट बीच मॉन्स्टर अटैक को एक्टिवेट कर देते हैं और सभी ही एक साथ लिंग फेंग पे अटैक करवा देते हैं, जिसे लिंग फेंग बड़ी आसानी से अपने पावरफुल शील्ड बैरियर से उन्हें रोक कर डिफेंड करने लगता है। इसके साथ ही लिंग फेंग अपनी डिवाइन मिरर को निकाल लेता है और उसके एक ही पावरफुल ब्लास्ट से उन सभी मार्शल स्पिरिट सोल मॉन्स्टर बीस्ट को वहीं पे एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वो सभी सोल्जर्स पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और पूरी तरह घबरा जाते हैं कि इस वेपन्स की तो काफी पावरफुल एनर्जी की ऑरा है। पर तभी राजकुमारी कियानिंग नीचे आकर इनके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी तुरंत ही एक साथ खुद ही उस पर अटैक करने लगते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, शुक्रिया।